हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 11:30। इसे ना हम सुबह ही बोल सकते हैं, ना दोपहर ही बोल सकते हैं। अभी बोलेंगे सुबह के 11:30 तो लोग बोलेंगे अच्छा 11:30 बजे सुबह है, और दोपहर तो बोलेंगे अच्छा 11:30 बजे दोपहर है। तो अब आपको जो बोलना है बोल लो, ऐसे सुबह में ही आता है 11:30 बजे। तो मैं हूँ मेरी स्टूडियो रूम में, जस्ट मैंने प्रियादीप के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, बस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मेकअप रिमूव कर लिया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ही हूँ। और आज चल रहा है सीतापुर, हमने कुछ ज्वेलरी दी हुई थी ऑर्डर पे, गोल्ड की एंड एक डायमंड की थी, ऑर्डर कर दिया था 1 महीने पहले। वैसे ज्वेलरी बन के आ गई थी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जोरिंग मैंने डायमंड की बनवाई थी मेरे लिए, उसकी साइज बड़ी हो गई थी, तो साइज छोटी होने के लिए गई थी, फाइनली आज आ गई है। तो उनका कॉल आया था कि आप आके ले जा सकते हो, ज्वेलरी आपकी रेडी हो गई है। सो हम लोग चलेंगे आज लेके आने, सिर्फ लेके आने जाना है। पैसे वैसे तो मैंने पहले से ही पे कर दिए थे, तो सिर्फ चलेंगे ले आने। और मैंने नहा लिया है, बट मुझे लगा ना कि मुझे यहाँ पर थोड़े से नोज पे थोड़ा सा ब्लैक हेड वाइट हेड दिख रहे हैं, देखिए नोज पे आपको भी दिख रहे होंगे ये देखिए। तो मैं जा रही थी ना, एक स्क्रब मैं यूज़ करती थी वही यूज़ करने जा रही थी, बट मुझे याद आया कि वो मुझे सीतापुर चलना है तो मुझे वीडियो मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए। कुछ खास है ना, जब स्पेशल होता है तभी मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ। और आज है क्या बोलते हैं, मुहर्रम है, तो आज बैंक बंद है, सो उसीलिए बंद है बैंक, तो इसलिए मैं भी चली जा रही हूँ, नहीं तो मुझे जाने का चांस ही नहीं मिलता। दीप तो डेली आते जाते हैं तो ले लेते वहीं से, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ, चलती हूँ लेके आती हूँ और दिखाती हूँ। आज नहीं दिखा पाऊंगी, आई नो आज का ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, मैंने कुछ प्लान कर लिया है, काफी टाइम हो गया मैंने दीप के साथ बाहर डिनर नहीं किया है, तो आज हमने सोचा कि आज हम आप लोगों के साथ डिनर दिखाएंगे दीप के साथ, काफी टाइम हो गया नहीं कर पाए हैं डिनर। और इसके बाद कल का जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको सारी ज्वेलरी अपनी दिखाऊंगी। वैसे टाइम काफी ज्यादा हो गया है, सो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करती हूँ, चलती हूँ फटाक से स्क्रब कर लेती हूँ, आप लोगों से बात करते हुए ही स्क्रब कर लूंगी और आप लोगों को बता भी दूंगी। अगर आप लोगों को लेना होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे एक ब्रांड का स्क्रब काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होता है, अक्सर आप लोग देखते ही होंगे मुझे यूज करते हुए, वो ब्रांड है बॉडी क्यूपिड का, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इस स्क्रब को फर्स्ट टाइम नहीं यूज करूँ, मैंने कई बार ही यूज किया हुआ है, इसलिए मैं आज आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। इसे यूज करने के तुरंत बाद आपका फेस काफी ज्यादा ग्लोई एंड सॉफ्ट हो जाता है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, प्लीज माइंड मत करना। बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए बाहर की आवाज आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, सो चलो फटाक से स्क्रब कर लेते हैं। तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर स्क्रब के लिए बॉडी क्यूपिड का एक्टिवेटेड चारकोल फेस स्क्रब, और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से गीला कर लेती हूँ, मैंने फेस वॉश किया हुआ है और मैं हूँ मेरे बाथरूम में, अभी जस्ट मैंने इसे क्लीन किया हुआ है। पानी का दाग बड़ी, इसमें पानी का दाग पड़ जाता है यार, तो थोड़ा सा चाहिए। इसे आप अपने पूरे फेस एंड बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। मैं मेरे नोज एरिया पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया मुझे यहीं पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम होती है। और इसकी फ्रेग्रेंस माइंड ब्लोइंग है। जब तक मैं मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ तब तक आप लोग इसका रिव्यू देख लीजिए। ओके बाय बाय। यहाँ पर आप देख सकती हो बॉडी क्यूपिड एक्टिवेटेड चारकोल एंटी टॉक्सिन एंड प्रो ग्लो प्यूरिफाइंग बॉडी स्क्रब। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल है, अर्गन ऑयल है एंड वलनट सेल पाउडर है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है विथ प्रीमियम बोटानिकल ऑयल्स। नेटवर्थ इसका मिल जाता है आपको 200 ml। वैसे तो है बॉडी स्क्रब, बट इसे आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट है सभी नेचुरल है, आपकी स्किन को इतना ज्यादा ग्लोई बना देता है कि मैं क्या बोलूं। आप यहाँ पर आप की इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है एंड विटामिन B3, प्रो विटामिन B5, स्वीट आलमंड ऑयल, अर्गन ऑयल, इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑयल हैं जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इसीलिए मैं इसे अपने फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइज। आई नो इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, 499 rupees की है, बट हमेशा इस पर डिस्काउंट चलता रहता है, और अगर आप इसे एक बार ले लेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। आप खुद ही देख लीजिए इतनी बड़ी ट्यूब आती है, प्लास्टिक की ट्यूब है। सो अगर आप लोग लेना चाहें तो मैंने लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, सो आप वहां से जाके ले सकते हो।
जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, तो इसकी वजह से मेरी जो स्किन है काफी ज्यादा मॉइस्चराइज लग रही है लग रही है, आप खुद ही देख सकते हो। देखती हूँ तो मैं भी आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद, रेडी होके रास्ते में मिलती हूँ। तब तक के लिए रूम काफी ज्यादा मेसी पड़ा हुआ है, आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। दीप वो दीप चलो, मैं तो एलो मैं खड़ी हूँ, बोल रही हूँ चलो उठो। और हाँ, वीडियो क्वालिटी कैसी है ये भी बताना बिल्कुल भी ना बोले, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया तो कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसे नहीं, अभी मैंने इस लुक को क्रिएट नहीं किया हुआ है टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिर से क्रिएट कर लूँगी मतलब फिर से शूट कर लूँगी। हम लोग आए हैं सीतापुर राजस्थान। नमस्ते, कहाँ आए हम लोग? हम लोग आए हैं राजस्थानी बेटा। हाय गाइस, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी हम लोग आए हैं राजस्थानी सीतापुर में, तो सीतापुर में से आ गए हैं। राजस्थानी का डिनर मिस कर रही थी काफी दिन से, तो मैंने कहा चलो राजस्थानी पे चलते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पर पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक और दीप सैलेड में नींबू निचोड़ रहे हैं। मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया है फ्राइड राइस, सेजवान फ्राइड राइस फुल प्लेट, उसी में हमारा और दीप का हो जाएगा। दीप अपने लिए और भाई के लिए ऑर्डर किए हैं राजस्थानी स्पेशल थाल, मेरा खाना खाने का मूड नहीं था तो इसलिए मैंने सेजवान फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिया। इसी में हम दोनों खा रहे हैं एक साथ, मस्ती इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद हम लोग बाहर निकले हैं, लखनऊ जब से गए हैं कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा कि हम लोग बाहर डिनर कर रहे हैं, क्योंकि चांस ही नहीं मिलता यार। जब कभी मन नहीं करता बनाने का या फिर मेरी कुक नहीं आती तो हम लोग घर पे ऑर्डर कर लेते हैं। अभी बाबू कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था तो मैंने कहा आओ पिलाएं, तो फिर वो बोला नहीं मैं आज आऊँ आपकी गोदी में बैठ के पीता हूँ, तो बस मैं उसको पिला खिला रही हूँ। इसके बाद हम लोग घर चलते हैं, फिर घर चल के आप लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए बाय। तो गाइज, अभी रात के बज रहे हैं 11:30, 10 मिनट पहले ही हम घर पे आए हैं। आने के बाद तुरंत मैंने मेरा मेकअप रिमूव किया, मैंने मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर ली है और मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लग रहा है ना, ब्लैक हेड भी रिमूव हो गए हैं उस स्क्रब की वजह से, देखिए। तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लग रहा है, किस किस को मेरा फेस ग्लोई लग रहा है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। सो डिनर काफ़ी ज़्यादा यम्मी था, कई दिनों बाद हम लोग गए राजस्थानी का डिनर मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही। तो डिनर करके हम लोग आ गए हैं, गए थे 2-3 चीज़ें लेनी थी बट वहाँ से काफ़ी कुछ ले आए हैं। मैं मेरे मायके भी गई थी, वहाँ से भी मैंने एक गोल्ड का झुमका मैंने बनवाया हुआ है, इस बार की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैंने मेरे मायके से एक चांदी की पायल बनवाई हुई है, तो काफ़ी कुछ है, मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया हुआ है। गाइज, ये शो ऑफ नहीं है, मैं मेरी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डेली मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, जब कुछ खास होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा दर्द होता है तो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ी सी खुशी होती है तो भी बताती हूँ, दर्द गम सब कुछ, सुख दुख सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या क्या लेके आई हूँ इसे बताना कैसे भूल सकती हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा मेरे कल के ब्लॉग का, कल ब्लॉग आएगा पक्का आएगा, तो कल के ब्लॉग का वेट कीजिएगा, आई नो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हो। और हाँ, क्या बोलूँ यार, आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हो, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो गलती करती हूँ, चाहूँ तो मैं इसे एडिट कर दूँ बट नहीं करती हूँ, कि आप लोग देख लो मेरी छोटी छोटी जो गलती है, आप लोग देखो कि हम लोगों से भी गलती हो जाती है। तो बस यही है, और काफ़ी कुछ बताना है लेकिन आज नहीं, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इसे मैं और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर
क्लोज करती हूँ, एंड करती हूँ, बंद करती हूँ, जो भी समझना हो समझ लीजिए। मैं मिलती हूँ आप सबने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय, सी यू।